अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक किचन विद बानो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। इस प्यारी सी दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू शिमला मिर्च का सालन। सिंपल सी चीज़ों से हम उसको बनाकर तैयार करेंगे और बेहद मज़ेदार बन के तैयार होगा। चलिए चलते हैं, उसको बनाना शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। ऑयल डालूंगी कढ़ाई में 1/4 कप, या इसपे ज़रूरत। ऑयल को हम अब गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम 2 मीडियम साइज की प्याज है जिसको मैंने स्लाइस में कटा हुआ है, इसको डाल देंगे। और प्याज को यहाँ पे हम फ्राई करेंगे इतनी देर तक कि इसमें प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। प्याज लाइट से अब गोल्डन कलर हो चुका है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन है, इसको डालेंगे और फ्राई करेंगे इतनी देर तक इसका कच्चापन दूर हो जाए। दो मिनट हो चुके हैं यहाँ पे अदरक और लहसुन को फ्राई होते हुए। अब यहाँ पे मेरे पास 2 अदरक टमाटर है जिनको मैंने पीस लिया है, इसको भी साथ ही डालेंगे। उसको भी भून लेंगे इस तरीके से। टमाटर यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, टमाटर के साथ ही ये मेरे पास 4 टेबल स्पून दही है, इसको भी डाल देंगे, साथ ही डालेंगे। जल्दी जल्दी से हमने ये हंडी बनाएंगे, जल्दी से बन के ये इंशाल्लाह तैयार होगी। दही को भी डाल दिया। अब इसके साथ हम डालेंगे दूसरे मसाले, पाउडर मसाले, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक या हसबे जायका। इन सब चीज़ों को भी साथ ही मिक्स कर लेंगे, भूनेंगे। नमक मिर्च अगर आपको कम लगे तो आप डाल लीजिएगा। हम फ्राई करेंगे मसाले को अच्छे तरीके से, भूनेंगे कि सारा ऑयल छोड़ दे ऊपर आ जाए मसाले के। यहाँ पे मसाला भून रहा है, मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे। मसाला लगे नहीं तो ये मेरे पास मुर्गे की यखनी है, ये थोड़ी थोड़ी साथ साथ डालती जाऊंगी। मसाले को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। देखिए मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे हम सब्जी को। मसाला तकरीबन भून चुका है, ऑयल छोड़ दिया है। और इसके अंदर डालेंगे सब्जी, शिमला मिर्च है तकरीबन 1 पाव, चार अदद हरी मिर्चें। इसको हम सब्जी को भून लेंगे मसाले के साथ 5 मिनट अच्छे तरीके से। शिमला अच्छे तरीके से सफेद कराइए। इसके अंदर आप डालेंगे हम पानी, ये यखनी है पर इसके पत्ते थोड़ी साफ डाल देंगे, डालकर इसको पानी डालेंगे थोड़ा सा। पानी डाल दिया हमने इधर कि हमारे आलू इसमें अच्छे तरीके से गल जाए, और अब हम इसको ढक्कन लगा के पकाएंगे। चलिए माशाल्लाह से देखें, शिमला मिर्च का सालन तकरीबन बन चुका है। धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। इसको करेंगे बंद,
इसको करेंगे हम मिक्स। माशाल्लाह से आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, वो हम इसको निकालेंगे प्लेट में। लीजिए माशाल्लाह मसालेदार आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लुक सो यमी, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। बेहद थोड़े से मसालों से बनकर ये तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बनाइए, खाएं, इंजॉय करें। मुझे दुआ में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।